मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ में रुआसा गांव के पूर्व उप प्रधान सदुद्दीन के घर से पुलिस ने बुधवार को हथियारों का जखीरा बरामद कर उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। दबिश के दौरान पुलिस को वहां प्रतिबंधित 303 बोर के बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये कारतूस उसने यूपी पुलिस के एक रिश्ते के भाई कांस्टेबल से खरीदे हैं। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। इस मामले में पुलिस ने घर के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया है। वहीं गिरफ्तार युवक का कहना है कि घर से मिले लाइसेंसी हथियार को भी अवैध असला बताते हुए बरामद दिखाया गया है। साथ ही महिलाओं से इस मामले का क्या लेना देना है, उन्हें बिना वजह फंसाया गया है। दरअसल बुधवार को एसपी सिटी विनीत भटनागर व दौराला पुलिस ने दौराला के रुआसा गांव में पूर्व उप प्रधान सदुद्दीन के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान वहां से भारी मात्रा में हथियार व कारतूस मिलने की बात कही गई है। हालांकि यह तथ्य भी सामने आया है कि गांव में वर्चस्व की लड़ाई के चलते हथियार व कारतूस जमा किए गए थे। चुनाव व वर्चस्व की लड़ाई के चलते सदुद्दीन व अफजाल के बीच रंजिश चली आ रही है। गांव में यहां तक भी चर्चा है कि अफजाल पक्ष ने मुखबरी कर यह दबिश डलवाई है। पुलिस ने आज सदुद्दीन के दोनों बेटों शबी व रजी को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी है। देखिए, ये थाना दौराला में रुहासा गांव की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां से एक घर में काफी भारी मात्रा में असला कारतूस और इस प्रकार के अवैध उपकरण वगैरह मौजूद है। इस सूचना पर थाना दौराला की पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी। दो व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए हैं। दोनों सगे भाई हैं, शबी और रजी इनका नाम है। पूर्व प्रधान के ये बेटे हैं। इनके परिवार के और सदस्य भी जो मौके से भागने में कामयाब रहे, उनको हमने इसमें बातचीत किया है। काफ़ी भारी मात्रा में जखीरा मिला है, जिसमें कुछ विदेशी कारतूस हैं, 315 बोर के कारतूस हैं, 12 बोर की बहुत काफ़ी भारी संख्या में है, खोखे हैं, बारूद है। इसके अलावा जो रंगा और जो लेड की बॉल्स वगैरह भरी जाती हैं कारतूसों में, उनकी बरामदगी हुई है। एक लाइसेंसी राइफल है जो कि इसके द्वारा बताया गया कि किसी अन्य व्यक्ति की थी, इसके घर में रखी थी, उसके बारे में तस्दीक की जा रही है, जानकारी की जा रही है। ये लाइसेंस नहीं दिखा सका। एक नाली बंदूक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के कुछ तमंचे हैं जो, और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि 303 जो कि प्रोविटेड बोर है और पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेज के असलहे में इस्तेमाल हुआ करता था, उसके भी कारतूस मिले हैं। तो इसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो इसमें कई लोग वांछित हैं और कुछ लोग और प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा इनको सप्लाई करना बताया गया है, उन सभी पर दबिश दी जा रही है। देखिए, नाम आया है, ये बिल्कुल बात सही है। इससे जब पूछताछ हुई इसमें शबी नाम के व्यक्ति से और उससे पूछा गया कि प्रोविडेंट बोर के ये कारतूस कहाँ से इसके पास है, तो इसने बताया कि इसके गाँव का ही रहने वाला रिश्ते में इसका, तो उसने बताया कि चचेरा भाई लगता है, लेकिन इसकी तस्दीक होगी इन बातों की। इसने बताया कि उसने जो कि पुलिस में जीआरपी में तैनात है उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन ये सारे विवेचना के विषय हैं। इसलिए प्रकाश में नाम उनका ज़रूर आया है, लेकिन अभी ये निश्चित रूप से कहना कि वो मुलजिम है या नहीं, क्योंकि इसने बताया है, अभी उसकी तस्दीक उस व्यक्ति से करी जाएगी कि वो कारतूस कहाँ से आए थे। तो पहला तो ये प्रश्न पूछा आप। दूसरा आप बता रहे हैं कि चुनाव के बारे में, हाँ देखिए, ये तो चुनाव के मद्देनज़र तो सत्ता ही है ही, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आसपास जो भी चुनाव आने वाले थे उसमें इन अवैध कारतूसों का और इन असलों का इनका इस्तेमाल होता। कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीच में जो है बने, तो देसी हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है असले मौजूद हैं। इनसे पूछताछ के करके और बाकी जो शेष अभियुक्त थे जो भाग गए हैं उनसे पूछताछ करके इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।